बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या उनके घर में ही घुस करके कर दी गई है। यह घटना बड़ी भयावह घटना है। इस घटना को लेकर के पूरे देश में एक राजनीतिक उबाल आ गया है, खासकर के बिहार के जो तमाम सत्ता और विपक्ष के राजनीतिक दल के लोग हैं, सब लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और इस घटना में शामिल अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मुकेश सहनी बिहार के एक बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी के खुद सुप्रीमो भी हैं और गत लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का गठबंधन था, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी का गठबंधन था। दोनों लोग आपस में तालमेल करके गठबंधन करके दोनों लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद पूरे बिहार में एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। तमाम लोग जो है विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पे हमलावर हैं और सत्ता पक्ष बचते हुए है कह रही है कि किसी भी स्थिति में जो है अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी हुए, पप्पू यादव हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी घटना को लेकर के गहरी संवेदना व्यक्त किए हैं और सब लोगों का कहना है कि इस घटना में शामिल अपराधियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की टीम गठित कर दी गई है, पुलिस के वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पे कैंप कर रहे हैं और एक एक बिंदुओं की सघन जांच चल रही है। सीएफएल की टीम भी आई है और विभिन्न जांच एजेंसियों के द्वारा मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या का कारण जो है पता लगाने के लिए जांच कार्यक्रम चल रहा है। बहरहाल मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मशहूर फिल्म अभिनेता भाई सुनील सिंह कुशवाहा जुड़ रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भी एक्स में लिखा था और घटना को लेकर के गहरी संवेदना व्यक्त की थी। भाई सुनील सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत, प्रणाम, बोलिए। आपका एक्स पे देखे थे, आपने आज गहरी संवेदना व्यक्त की है और गहरा दुख व्यक्त किया है पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या पर, क्या कहेंगे? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश भाई जो हैं, जी उनके पिताजी का जो ये मर्डर हुआ, जो वो बहुत सुन के दुखी हूँ मैं। जी और इस घड़ी में सहनी जी के परिवार के साथ में हूँ जी, और साथ ही मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तारी हो जी और इस केस का जो भी हो पर्दाफाश हो। जी बहुत बड़ी घटना है सुनील सिंह कुशवाहा जी, और कहीं ना कहीं पूरे बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पे और कह रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ा है। तब तक जो है बिहार के एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पिता की हत्या कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को शर्मसार कर रही है। जी जांच चालू है, डीआईजी खुद स्पॉट पर पहुंच कर पूरा जांच कर रहे हैं जी, और कुछ ना कुछ उसका कड़ी मिलेगा, कुछ ना कुछ अभी प्रशासन लगा हुआ है, कुछ मालूम पड़ेगा। घटना वास्तव में बड़ी दुखद है और इस घटना को लेकर के पूरा देश जो है खास करके बिहार के तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, सब लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और घटना की निंदा कर रहे हैं। जी दुखी की तो बात है ही, और बहुत बड़े आदमी के घर में ऐसा रात में हुआ है, जी दुखी की बात है, जी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार तो सुधर गया था, वापस बिहार में ऐसा क्राइम हो रहा है, जी गलत है, कहीं ना कहीं तक बहुत गलत हो रहा है ऐसा। जी चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फिल्म अभिनेता हैं भाई सुनील सिंह कुशवाहा जी, इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं यह घटना जो है काफी दुखद है, काफी निंदनीय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत सिपाही हैं और इनका भी कहना है कि किसी भी स्थिति में बिहार की पुलिस जो है, बिहार की शासन और बिहार की प्रशासन के जो लोग हैं, इस घटना में संलिप्त एक एक व्यक्ति को खोज खोज करके निकालेंगे और उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुनील सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मामले को लेकर के काफी गंभीर हैं और सुनील सिंह कुशवाहा जी जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, उस पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, वे भी काफी गंभीर हैं। उनका भी कहना है, आज उनका भी बयान आप लोग देख रहे होंगे, सम्राट चौधरी जी ने भी कहा था कि किसी भी स्थिति में इस घटना में शामिल अपराधियों को खोज करके निकाला जाएगा, भले वे किसी माद में क्यों न छुपे हों, उनको खोज करके ढूंढ करके निकाला जाएगा और न्याय संगत ढंग से उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपको भाई सुनील सिंह कुशवाहा जी। जी प्रणाम।